अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम असलाम। बरकातुहू। मेरा सवाल है प्रॉपर्टी के ताल्लुक से। जी मेरे अम्मी को नाना की तरफ से जो प्रॉपर्टी मिली थी वो उन्होंने बेचकर मेरे अब्बू के कारोबार में लगा दी, बिजनेस में लगा दी। ठीक और है। अम्मी ने अब्बू के साथ उस बिजनेस में लेबर मतलब हाथ से मदद भी की कारोबार में उनके। और अब उस कारोबार से जो प्रॉफिट हुआ उन्होंने दोनों ने मिलकर उस एक प्रॉपर्टी नई खरीदी। अब उस प्रॉपर्टी में मेरे अम्मी का कितना हिस्सा होगा और मेरे अब्बू का कितना हिस्सा होगा? देखिए, इसको शुरू से लेंगे। अगर आपकी वालदा ने शेयर के तौर पे लगाया था, शेयर के तौर पे लगाया था कि मेरा इतना हिस्सा उसमें रहेगा, तो फिर जितना परसेंट उन्होंने लगाया था, उस परसेंट के एतबार से जो प्रॉफिट था, वो परसेंट और प्रॉफिट दोनों उनका होगा, और बाकी जो परसेंट था वो वालिद का होगा। अब जी उसी पैसे से जो कि प्रॉपर्टी खरीदी गई है, तो उसमें भी ऐसे ही परसेंट होगा जो असल में है। ये अगर परसेंट के एतबार से, शेयर के एतबार से लिया गया था। लेकिन अगर अच्छा सिर्फ ये लगाया गया कि चलिए ये चीज वालिद की प्रॉपर्टी में लगा दी गई, कोई ये नहीं, कोई शेयर का मामला नहीं है, हम दोनों का है, हम दोनों का जी है, कोई परसेंट का मसला नहीं, तो फिर हाफ जी हाफ दोनों में तकसीम किया जाएगा। ये मसला जो आपका आया हुआ है, इस मसले में जब अच्छा इख्तलाफ कितना पैदा तकसीम होता करना चाहिए? दोनों दोनों कितना है, अगर परसेंट होगा दोनों का? दोनों राजी हैं तो 50-50% करेंगे। आवाज अगर ठीक दोनों नहीं आ रही राजी मौलाना आपकी। हेलो, हैं तो आपको दोनों को 50-50%। अभी आवाज नहीं आ रही आपको सिस्टर? आवाज ठीक नहीं? हाँ, अभी आ रही है। हाँ, तो मेरे अब्बू का हाँ कितना हिस्सा और अम्मी का कितना हिस्सा? जी शेख। सबसे पहली चीज आप ये बताइए कि क्या अब्बू और अम्मी में इख्तलाफ हुआ है, इख्तलाफ क्या कुछ तलाक नहीं वगैरह था, हुआ? दोनों ने नहीं, मिलकर किया था। नहीं, और अभी अम्मी भी, वो अभी भी प्रॉपर्टी इख्तलाफ। अम्मी ने अब्बू के ही नाम से की थी। और मेरे अब्बू को इंतकाल कर गए, अभी उनको 40 साल हो गए। अब उस प्रॉपर्टी में अम्मी तकसीम करना चाह रहे हैं उनके बच्चों में, तो अब उसको किस हिसाब से तकसीम करना चाहिए उनको? देखिए, उसमें आप वालदा से मालूम कीजिए, इसलिए कि वालिद की प्रॉपर्टी में हो सकता है कि दूसरे लोग शामिल हों, बहरहाल। लेकिन सबसे अहम चीज है कि आप मालूम कर लें जी कि उस प्रॉपर्टी में कितना परसेंट आपके पैसे लगे हुए थे। वो नहीं, वो चीज तो अम्मी ने पूरे दूसरे, पर पूरा ही पैसा लगा दिया था उनका, जो नाना की प्रॉपर्टी से मिली थी। सिर्फ हाँ, मेरे लेकिन अब्बू क्या की उसने मेहनत आपके थी वालिद ने बस। भी कुछ लगाया था? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं लगाया था, उनकी सिर्फ सिर्फ मेहनत थी और उन्होंने अम्मी मदद की की। भी मेहनत थी। हाँ, और अम्मी की भी मेहनत थी, पैसों के साथ उनकी मेहनत भी थी अम्मी की। उसमें वो नहीं तो काम उसमें उन्होंने जो घर पर प्रॉफिट होगा, करते थे। हाँ, जो प्रॉफिट होगा उसको इस तरीके से तकसीम किया जाएगा कि 50% से, सबसे पहले प्रॉफिट का 50% सबसे पहले माँ का होगा। जी फिर जी जो उन्होंने मेहनत की है, अगर उनकी मेहनत और वालिद की मेहनत आधी आधी रही है, तो जी फिर 25% मजीद उनको दिया जाएगा माँ को, यानी मम्मी सेवेंटी अम्मी फाइव को परसेंट हाँ सेवेंटी फाइव परसेंट दिया अम्मी का जाएगा। होगा। हाँ, जी जी और 25% आपके वालिद का होगा। और अगर वालिद जी की मेहनत ज़्यादा है, माँ की मेहनत कम है, तो परसेंटेज आप देखिए, यानी 50% जो बाकी बचा हुआ है उसमें कितनी मेहनत बाप की है, 30%, 40% कितनी है, वो हिस्सा आप पे वालिद को दे दीजिए, बाकी जो हिस्सा बचता है वो माँ को दे दें, यानी 50+ उनकी मेहनत का, जी इस तरीके से उनका हिस्सा रहेगा। और ऐसे ही जो खरीदा गया है उसमें भी यही परसेंट रहेगा। जी जी शुक्र, जज़ाकल्लाह खैर। जजाक सिस्टर, उम्मीद है अल्लाह आपको जॉब मिल गया होगा। जी जजाक अल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर।